स्वामी जी, हिंदी में बोल रहा हूं, लिखते जाओ, स्वामी जी उन लड़कों को हमेशा भूखा रखते हैं, स्वामी जी उन लड़कों को हमेशा भूखा रखते हैं। ये हिंदी का जो वाक्य है, ये तो मैं आपको उन क्रियाओं को याद कराने के लिए कोई ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, आप समझने की कोशिश करना कि स्वामी जी शब्द जो है, जैसे ही आपने लिखा तो आप स्वामी जी को किससे स्टार्ट करोगे, एस से स्टार्ट करोगे। एस से स्टार्ट करते ही आप ये समझो कि ये एक क्रिया है, इसमें आईएनजी जोड़ना सख्त मना है। स्वामी जी का पहला एस बाहर निकालिए और एस बराबर लिखो एस डबल ई सी, और ये भी समझ लो कि ऐसी क्रिया है जिसका संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। तो ऐसी क्रियाएं तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वर्ब्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कॉम्पिटिशन के अंदर, परीक्षाओं के अंदर घूम घूम के बार बार पूछी जाती है। मैंने आपको कहा स्वामी जी आपने निकाला सी, और मैंने कहा कि सी ऐसी क्रिया है जिसमें आईएनजी जोड़ना सख्त मना है, यानी इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर दिया हुआ है तो गलत है, उसको काट के उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओ। एक सेंटेंस दे रहा हूं, लिखें आप, व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, लिखो व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड। आप बाहर की तरफ क्या देख रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद ये होगा, व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, आप बाहर की तरफ क्या देख रहे हैं। परंतु ऐसा वाक्य बोलना गलत माना जाता है, शुद्ध वाक्य तो यह होगा कि आप बाहर की तरफ क्या देखते हैं। ये ऐसा ही नियम है, ये जो सी वर्ब है इसमें आईएनजी नहीं जोड़ा जा सकता। आप हिंदी में कहोगे कि आप बाहर की ओर क्या देख रहे हैं, परंतु उसका अंग्रेजी अनुवाद ये नहीं होगा जो यहां लिखा हुआ है, ये तो सेंटेंस ही ग्रामेटिकली रॉन्ग है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, व्हाट डू, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा हूं, व्हाट डू यू, इस आईएनजी को हटाओ, व्हाट डू यू सी आउटसाइड।